अस्सलामुअलैकुम, मुज़दाइन किचन में आप सबको वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। इसी के साथ साथ जो आज की वीडियो है वो बेसिकली है ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल, क्योंकि इंशाल्लाह 4 से 5 दिन बाद पाकिस्तान में ईद है। तो ईद की तैयारियों के लिए हमें देख लेना चाहिए कि हमने कौन कौन सी बेस्ट से बेस्ट डिशेस बनानी है। तो उसके लिए हम आज बना रहे हैं टिक्का बोटी। तो इसको हम बनाएंगे बारबेक्यू स्टिक्स पे। उसके लिए मैंने लिया है बोनलेस मीट, और इस बोनलेस मीट के आप कर लें पीसेस, क्योंकि बेसिकली हमने इस पे इसको बनाना है बारबेक्यू स्टिक्स पे, और हम इसको सीखों पे बनाएंगे नहीं। हम करने लगे हैं एक्सपेरिमेंट एट होम विदाउट बारबेक्यू के सारे सेटअप के बगैर। तो इसलिए आप इसके पीसेस थोड़े छोटे कर लें, और ये पकने के बाद थोड़े और भी श्रिंक हो जाएंगे। बट अगर आप लोगों ने थोड़े बड़े भी रखने हैं पीसेस, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी ऑन चॉइस पे है। और इसी तरह मैंने सारे पीसेस जो जितना साइज़ मुझे ओके लग रहा है इस हिसाब से मैंने इसको काट लेना। आप एक कटिंग बोर्ड लें, एक तेज़ छुरी लें और इस मीट के पीसेस कर लें। मसालों में मैंने लिया है दादरी मिर्च का 1 चम्मच, ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का 1 चम्मच, एक लेमन, 1/2 टीस्पून हल्दी का है, और साथ में मैंने लिया है ये मेरा गोश्त है जिसकी मैंने कटिंग कर लिया और जिसके मैंने क्यूब साइज जो है उसको शेप में कट कर लिया। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, 1.5 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्च लिया है, नमक हसबे ज़ायका है, और अगर गोश्त ज़्यादा है तो आप लोग मसाला और भी ऐड कर सकते हैं जी। तो मैंने इसको डिप करके रख लिया, और जब मैंने पीसेस की कटिंग कर ली थी तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लिया था। तो इस मसाले के अंदर थोड़ा सा विनेगर भी इनके अंदर है, ज़्यादा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि लेमन भी है और विनेगर भी है। तो ये इंशाल्लाह जो पीसेस हैं वो आप इनको 2-3 घंटों के लिए भिगो के रख दें, हमें मीट टेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कच्चा भी नहीं रहेगा, बेस्ट रहेगा। वेजिटेबल्स में मैंने प्याज लिया है और शिमला मिर्च, कैप्सिकम लिया और एक टमाटो लिया है, टमाटर, और उसको मैंने इस शेप में इसी कटिंग कर लिया। अब हमने लेनी है बारबेक्यू स्टिक्स, और इन स्टिक्स के ऊपर मैंने इसको अच्छे से, जैसे आप सीखों के ऊपर करते हैं गोश्त को, वैसे ही मैंने इसको कर लिया ना। बस मैंने इसके अंदर ज़्यादा ये ऐड किया फ्लेवर के लिए, वेजिटेबल्स ऐड कर लिए हैं, और क्यूब्स मैंने इसीलिए इसके छोटे रखे थे क्योंकि ये लकड़ी ही होती हैं, इतनी कोई वो नहीं होती ना, जिस तरह कहते हैं स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं साइज़ बड़ा रखूँगी तो अभी भी इसको स्टिक पे आने में इतना ज़ोर आजमाई लग रही है, तो बड़े पीसेस को और भी इशू हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा साइज़ माइनर रखिएगा, ज़्यादा भी नहीं, और 1 बाय 1 करके आप वेजिटेबल एंड मीट स्टिक के ऊपर अच्छे से कवर कर लें, जिस तरह बेसिकली हम शाश्लिक स्टिक्स भी बनाते हैं। तो इसका फ्लेवर अच्छा रहता है वेजिटेबल्स का भी, ये भी लास्ट में ट्राई करें। टमाटर ये होता है कि फ्राई करते हुए वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उतर भी जाता है, निकल भी जाता है, बट कैप्सिकम और प्याज हमारा वैसे ही रहता है, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। वेजिटेबल्स को लास्ट में यूज़ करें। ईद स्पेशल एक्सपेरिमेंट है ये, घर में अर्जेंटली आप मज़े से बारबेक्यू स्टिक्स बनाएं और टेस्ट करें टिक्का बोटी स्टाइल में। मसाला भी आप खुद घर से ऐड कर सकते हैं, मीट टेंडर की भी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी अगर आप विनेगर और लेमन यूज़ कर रहे हैं और कुछ देर इसको डिप करके रख देंगे, मतलब 3-4 घंटे रख दें आप, बेस्ट रहेगा, हो जाएगा चूल्हे पे मीट टेंडर के बगैर ही। और मैंने एटलीस्ट एक स्टिक के अंदर 4 पीसेस जो हैं वो इस मीट के ऐड कर ली हैं, और आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत जल्दी भी और बहुत मज़े की भी, मतलब सो तकरीबन हर किसी के पास नहीं होता है ना बारबेक्यू का सेटअप ईद पे ही करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि इंसान ना करे, आप उसको किसी ना किसी इजी वे के साथ घर में कर सकते हैं, आपके बच्चे लाइक करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स लाइक करेंगे जी। तो ये मैंने एक स्टिक बना ली है, अब ये मेरी दूसरी भी रेडी है।
इसी तरह मैंने और भी स्टिक्स बना लेनी है और तकरीबन मैंने टोटल 4 स्टिक्स अभी बना के फ्राई करनी है और आप लोग देखेंगे कि वो कितने मज़े की बनती हैं और कितनी जल्दी आसान तरीके से वो बन जाएंगी जी। तो यूँ आप कर लें क्योंकि यही चीज़ें होती हैं बकरा ईद स्पेशल, गोश्त बिरयानी पुलाव वगैरह ये सब कुछ रूटीन में भी चल रहा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है जी। तो ये स्टिक रेडी है और यहाँ मैंने अपनी अब सारी चारों की चारों स्टिक्स रेडी कर ली हैं। इसके बाद मैंने लेना है एक पैन, अगर आपके पास ग्रिल पैन है वो ले लें, ग्रिल पैन नहीं है नो प्रॉब्लम, आप कोई भी फ्राई पैन कढ़ाई ले लें उसके अंदर भी इजीली हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं है बर्तन वगैरह का इशू है देन आप नहीं कर सकते, मैं भी आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग इजीली किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी बना लें, ये हेडेक ना हो कि भाई ये नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं है, ये हम कर नहीं सकते। अगर हम करना चाहें तो इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है इस कढ़ाई के अंदर या जिस पैन के अंदर या जिस भी ग्रिल पैन के अंदर आप इसको फ्राई करने लगे हैं उसके अंदर आप डालें कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करें, कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये, घी वगैरह से अवॉइड करें, वो वैसे भी दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। और मैंने 3 टेबलस्पून इस पैन में पहले ले लिया था, अब इसके ऊपर स्टिक्स रख दिए हैं, ये फ्राई हो रही हैं, इनको लो आपने फ्लेम पे फ्राई करना और इसके ऊपर भी हल्का सा ब्रश करते रहें। और अभी जब मैं इसको घुमाऊँगी तो आप देखिएगा कि ये लगी नहीं हुई है नीचे बिल्कुल भी, ये देख लें, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने ऑयल लिया है ऑलरेडी, नीचे भी इसके ऑयल हमने पैन में डाला है 3 टेबलस्पून, हम ऊपर भी ऑयल ब्रश कर रहे हैं और जो हमारा फ्लेम है वो लो है। अब आप इसको दम में पकाएं, दम में पकने के बाद 10 मिनट इसका ये कलर आ गया और वो मसाला वगैरह होता है ना तो वो थोड़ा सा डार्क है, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गया क्योंकि ये बीफ है ना इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो मैंने इसको 10 मिनट का दम दिया था, अब ये रेडी है जी। तो ये देखें टिक्का बोटी स्टिक्स बारबेक्यू स्टाइल रेडी है और ये बहुत ही मज़े की हैं और इसको इस ईद पे लाजमी ट्राई करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को टेस्ट करवाएं, आप लिटरली बहुत इन्जॉय करेंगे इसको बनाने के बाद खाने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इंशाल्लाह आगे ईद है, आप सबको एडवांस ईद मुबारक और ऐसे ही मज़े की वीडियोस में शेयर करती रहूँगी, आप लोग फॉलो करते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।